कल्चरल डे के दिन वो मीरवाइज समाधि कश्मीरी कश्मीर लग रहे थे, तो जो लिबास उन्होंने जेब तंग फरमाया था तो उस लिबास को देखकर मुझे हुआ ये अंदाजा तो हुआ था कि अल्लाह पाक इसे आज किसी खास चीज से नवाजेंगे, क्योंकि ये लग ही रहे थे कि ये कश्मीर के कोई मीरवाइज तशरीफ आ चुके हैं। इनको जो अवार्ड से नवाजा गया है उनका मैं बहुत जोर से मुबारकबाद पेश करता हूँ। कहूँगा तो इस सिलसिले में सबसे पहले आई एम डीपली थैंकफुल टू माय टीचर्स, उन्होंने बहुत अनथक कोशिश की है पिछले 10-15 दिनों से बच्चों को इस चीज के लिए तैयार करने के लिए। आप देख रहे हैं कि अगर आप किसी स्टॉल पे जाएंगे वहाँ पे कि एक एक स्टॉल ने सुबह से 5-5 हज़ार रुपए की कमाई की हुई है। तो बच्चों से मैं अभी बात कर रहा था, एक स्टॉल था जहाँ पर बच्चों ने तकरीबन 7 हज़ार रुपए की कमाई की है, 7 हज़ार रुपए में उन्होंने तकरीबन 2 हज़ार रुपए कमाए हैं। तो एक इस तरह का एक मैसेज दी जाती है बच्चों को कि आगे जाकर सिर्फ आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए तगड़ा नहीं करनी है, बल्कि गवर्नमेंट जॉब से निकलकर भी बाहर की दुनिया में आप अपने रिज़्क़ को तलाश कर सकते हैं। एक मैसेज है वहाँ के, अगर आप देखेंगे मुख्तलिफ स्टॉल्स पे जाके बच्चों ने खुद घरों में तो बहुत सारी चीज़ें तैयार कर दी हैं जिनको वो इस वक्त बेच रहे हैं और अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। आखिर पे क्या मैसेज रहेगी विश्व भर के तमाम बच्चों के लिए, खासकर हिंदवारा के बच्चों के लिए या स्कूल के बच्चों के लिए, क्या स्पेशल मैसेज रहेगा? तो सारे बच्चों के लिए प्रोग्राम ये है कि ये पैगाम भी है, मैसेज भी है सारे बच्चों के लिए कि आप आगे जाकर आप अपने टांगों पे खड़े होने की कोशिश करें। हर किसी मामले में आप गवर्नमेंट जॉब के पीछे ना दौड़ें। आप अगर एंटरप्रेनर बने तो एंटरप्रेनर बन के न सिर्फ आप अपने लिए कमा सकते हैं, बल्कि यू कैन अर्न फॉर अदर्स एज़ वेल। यू कैन एडजस्ट थाउजेंड्स ऑफ पीपल इन योर कंपनी इफ यू स्टार्ट ए कंपनी एंड द फ्यूचर ऑफ योर ओन। नॉट ओनली यू कैन फीड योर सेल्फ बट यू कैन फीड हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल विद यू।